मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग पढ़ने रहे कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अयो अंगोट बड़ पोवा आना गाना दे, चश्मा लेने के लिए गया, खुशी भी रेडी होकर आई। आप सबको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। हर साल खुशी को विजयदशमी के दिन स्कूल होता है, लेकिन इस बार नहीं है। उसी वजह से हम लोग दिखाते हैं बुक पूजा के लिए रखा है बहुत साल के बाद। और इधर क्रिकेट चल रहा है, आज इंडिया का मैच हो गया है। सिर्फ खुशी का ही बुक रखा है, चुंगसी का नहीं रखा है, क्योंकि चुंगसी को कल कॉलेज था। एक बार बुक रखने के बाद है ना, फिर बुक नहीं पढ़ना है। दुर्गाष्टमी के दिन बुक रखते हैं, हाँ, और आज विजयदशमी तीसरा डे बुक, मतलब वो मंदिर में बोलेंगे कौन सा शुभ मुहूर्त है, मतलब उस समय बुक रखना है, कब पढ़ना है, मतलब वो सब मंदिर में बोलेंगे हमारे उधर। और चुंगसी का हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं उसका, कुछ बुक्स है क्योंकि कुछ भी घर पे लेके नहीं आते। मैंने बोला एटलीस्ट तुम्हारा कैमरा लेकर आ जाओ, मेरा कैमरा काफ़ी बड़ा है, अगर कैमरा लेकर आए तो है ना कल महानवमी के दिन रख सकते थे। संतोष कुमार एस यूशल इधर, मतलब हर साल, मैं कब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तब से ये रूटीन आप लोग देख रहे होगा विजयदशमी के दिन। सो बेसिकली जब मैं मतलब छोटा था तो मैं पापा जो करते थे हम लोग के पास, या मंदिर जौर माइंस में थे हम लोग उदयपुर के पास में, तो वहाँ पे ऐसा जैसे मंदिर के अंदर, जैसे केरला में होता है मंदिर में जाके बुक्स रखना, और विजयदशमी के दिन उसको खोल के पंडित जी लिखवाते हैं आपको, सब कुछ करते हैं जैसे होता है, वो सब हमारे यहाँ पे नहीं था। हम लोग फिर क्या, पापा ने क्या किया था कि पापा ने आलुआ, मतलब कारेड़ी के पास में आलुआ है, वहाँ का जो मणपुरम जो वहाँ का जो कहना रिवर है उसके साइड में जो सैंड है उसको लेके हम लोग गए थे इंडिया, मतलब राजस्थान। और वहाँ क्या, उसमें फिर ऐसे प्लेट में वो पूरा वो सैंड मतलब रखते थे, और सैंड में फिर हम लोग लिखते थे। तो हमको सबसे बढ़िया मतलब वो लगता था कि हाँ भाई अभी आ रहा है अष्टमी आ रहा है। एक तो नवरात्रि के दिन चलते तो हमारे राजस्थान में तो आपको पता है गरबा डांडिया दुर्गा पूजा में तो इतना बड़ा पंडाल लगता था, 4-5 दिन का हमारा पूरा मेला लगता था, तो बहुत ज़बरदस्त होता था। और ये अष्टमी के दिन जैसे ही आता था तो हमको लगता था हाँ मज़ा आ गया एकदम, बिकॉज पढ़ना कुछ है नहीं, अभी बुक रखना है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, खेलो बस। इसका सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना, सब लोग बुक रखने के बाद पढ़ना नहीं है, लेकिन उसके बाद पढ़ने का इतना इच्छा होता है, मतलब वो नहीं, वो जो कुछ भी चीज, या टीवी में कुछ लिख कर आता है ना, तब माँ बोलते हैं पढ़ना नहीं, फिर भी ऐसे चुप कर ऐसे एक मिनट देखते हैं, पढ़ते ही है सब लोग ये करते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं है ऐसा बोलते हैं। और रीड नहीं करना है, कुछ राइट नहीं करना है। हाँ, आप इधर क्या बना रहे हैं वो भी बता दो। तो बेसिकली त्रिमधुरम मतलब तीन मीठा चीज, कोई भी तीन मीठा चीज लेके उसको एक प्रसाद के रूप में बनाना है। तो केला लिया है, थोड़ा सा ये मिश्री है, कलकंडम बोलते हैं हम लोग, ये है थोड़ा सा, और उसके साथ में थोड़ा हनी। दशहरे के दिन हम लोग भगवान का पूजा करके और जो शुरुआत करते हैं लिखने का, तो ये छोटे जो बच्चे होते हैं जो पहली बार लिखना शुरू करते हैं 3 साल की उम्र में, तो उनको तो मंदिर में लेके जाके और पंडित जी के साथ में या कोई बड़े लोग जो बुजुर्ग होते हैं वो उनसे लिखवाते हैं, और उनके मुंह में भी थोड़ा वो खनी और वो सब लिखते हैं, मतलब जबान पे भी, तो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल टाइप बनाया जाता है। वो चीज़ है कि जब शुरुआत करते हैं किसी चीज़ का, तो वहाँ पे हम लोग शुरुआत करके लिख के हरी श्री गणपताय नमः अविघ्न वस्तु, उसके बाद में फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं, बुक्स लेके पढ़ते हैं, तो वो एक विद्यारंभम बोलते हैं। तो ये विद्यारंभम है आज हमारा, तो एवरी ईयर वी डू दिस विद्यारंभम। तो मतलब एक 2 दिन जो है भगवान को थोड़ा रेस्ट दिया है भाई पढ़ाई वढ़ाई से, और अब जो है आज के दिन फिर से शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल ये काम मेरा है लिख कर देने का, क्योंकि मलयालम में लिखने के लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो एक्सपर्ट हमारे यहाँ पे अंजू है, तो एक्सपर्ट लिखे देगी, क्योंकि बोन बॉटम राजस्थान में हुआ ना, इसलिए उसका बातें अच्छा करता है, वो भी शादी के बाद। लिखना आता है लेकिन बहुत स्लोली, इसलिए आज कुछ गलत नहीं होना, इसलिए हमेशा मैं ही लिख कर देती हूँ। सबसे पहले संतोष लिख रहे हैं।
ये खुशी को लिखवाने जा रहे हैं। हरी हरी गणपताय नमः अविघ्नमस्तु। कुछ अभी ए बी सी डी और मंडू त्रे लिख रहे हैं और चुंगसी को बोला है कुछ से लिखने के लिए, क्योंकि संतोष को 9 बजे का ट्रेन पकड़ना है, ऑलरेडी वो बहुत लेट हो गया। महान अभी भी नहा रहे चुंगसी और लास्ट टाइम मैं शायद उसको लिखवाया था, लेकिन वो खुद से अभी बड़ा हो गया है ना, नहीं तो फिर देखते हैं, लेकिन बड़ा हो गया तो खुद से लिखेंगे। और माय बुक्स, और इसके ऊपर ये कपड़ा देख रहे हैं ना, ये खुशी का ही कपड़ा है। पहली बार वो खाना खिलाने के एक ये होता है हमारे उधर, उस समय उसने ये पहना था, मुंड बोलते हैं हम लोग, छोटे बच्चे लोग का मुंड। हाँ ये भी ये चुंसी का है, देखो उनको मैचिंग वाला। हाँ ये चुंसी का है, मतलब कितना साल पुराना है सोचो। ये चैरिटी में देने के लिए, ये सुबह ही रखना था, 8 बजे के पहले रखना था, 8 to 5 टाइम बोला है। कभी कभी है ना हमारे जैसे पहले लेके आते हैं, सुबह ही लेके आते हैं। These are all like old clothes. Huh. Not old, but like these don't fit us anymore. We don't really use them. That kind of clothes. Okay, bus and bus. ये देखो खुशी कितना जल्दी बड़ा हो रहा है। लास्ट क्रिसमस में We don't throw that one away. नहीं वो बहुत छोटा। Bobby gave it to me as I had matching ones. हमारा स्कॉटलैंड का फ्रेंड है ना, ना संतोष का चाइल्डहुड फ्रेंड, वो लास्ट क्रिसमस में दिया था। कितना छोटा हो गया, इंडिया से आते ही ऐसा लग रहा है काफी लंबी हो गया, अभी ऑलमोस्ट मेरी बराबर की हो गई। और ये बैग देख रहे हैं ना, ये मैंने इटली से वेनिस गया है हम लोग 2017 में शायद, तब लिया था। प्रॉपर इटालियन लेदर है, मुझे मतलब बहुत मैंने यूज किया, अभी तक इसमें देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका स्पेशलिटी क्या है ना, ये ऐसे भी डाल सकते हैं और इधर ऐसे भी डाल सकते हैं। देखा इतना कंफर्टेबल बैग था, लेकिन अभी बैग इतना ज्यादा हो गया मेरे पास, ये तो हाथ में रखकर कोई फायदा नहीं है ना कोई किसी ना किसी को यूज आ जाएगा ना, इसलिए ये चैरिटी में। एंड समवन फाउंड अदर यूसेस सॉक्स इजी या सॉक्स है तो फिर तुम क्यों चाहिए, जाकर लिखो मुझे सॉक्स। हरी Do you know the next one? हरी श्री गणपते नमः अविघ्नमस्तु। नी 1 2 3 ಇದೆ ABCD। Mr. Myler's here digging the sofa. For lunch we're gonna have sushi after such a long time and I'm so excited. But let's see what Amma's doing. Amma is cleaning. Cleaning? आज कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं है, मतलब कुकिंग काम नहीं है, क्योंकि खुशी को है ना बहुत दिन से सुशी खाने का इच्छा है। मुझे भी तुमसे एथलेटिक्स ट्रेनिंग के लिए गया, मैं बोला सुशी भी लेकर आ जाओ, इसलिए काम नहीं है। और मैं सोचा ये ड्रॉयर है ना, जब इंडिया जाने के पहले मतलब पापा मम्मी आने के बाद ये ड्रॉयर क्लीन नहीं किया है, बाकी सब ठीक है क्योंकि इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन ये स्पाइसेस रखते हैं ना कुछ ना कुछ गिरते रहते हैं एक्चुअली है ना।
चार्ज गया। ये एक प्रॉब्लम है, बैटरी प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी चेंज करना है। मेरा बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला था अंजू आप एक बार क्लीनिंग रूटीन वीडियो, मतलब पूरा घर कैसे साफ करता है, एक एक वीडियो डालने के लिए। मैं कोशिश करूंगी कभी भी वो रिकॉर्ड करने का। प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी मुझे मूड है तो एक टाइम नहीं होता है डीप क्लीन करने का, नॉर्मल क्लीनिंग हर दिन होता है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग है ना वीकली मील प्लानिंग करते हैं ना, लेकिन मैंने मुझसे नहीं होगा वो, मैं नहीं करती हूँ। लेकिन क्लीनिंग, लेकिन मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उसके लिए एक टाइम नहीं होता है। हाँ, मंडे के दिन ए रूम पूरा ठीक करना है, ट्यूसडे ऐसा होता है, कभी कभी मंडे के दिन मतलब इतना एक पार्ट, एक रूम का इतना एक पार्ट क्लीन करना है, ऐसा मैंने डिसाइड करके रखती हूँ। मतलब हर दिन ऐसा ऐसा है, लेकिन वो एक टाइम नहीं होता है। कभी कभी आधी रात को मैं करती हूँ सब लोग सोने के बाद, कभी कभी शाम को, कभी कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग, ऐसा होता है मेरा क्लीनिंग जब मुझे मूड होता है, नहीं तो बोर होता है। ऐसा टाइम में मूड रिफ्रेश करने के लिए ना मैं ऐसा करती हूँ, इसलिए उस समय रिकॉर्ड करने का ना कभी कभी एनर्जी नहीं होता है। सिर्फ वो क्लीन कर लो, एन्जॉय कर लो, क्योंकि मेरे लिए क्लीनिंग है ना एक मेडिटेशन जैसा है। सीरियसली कुछ कुछ लोगों को खाना बनाना मतलब एक मेडिटेशन जैसा होता है ना, मेरे लिए क्लीनिंग वैसा है। क्लीनिंग किया तो मैं सब कुछ ऐसा लगता है मतलब गाना लगा कर क्लीनिंग कर लो, बेस्ट है। और कभी कभी मैं भी खुशी का जैसा ही करती हूँ, जो ठीक से रहते वो भी गंदा करके फिर से क्लीनिंग लग जाती हूँ। खुशी भी एक्सैक्टली ऐसा है। कभी कभी है ना इसके रूम में जाकर मैं एकदम सरप्राइज हो जाती हूँ, मतलब इसका ड्रेस कभी कभी है ना फैला रहती है। हाँ, कभी कभी एकदम इतना प्रोफेशनली वो क्लीन करके रखती है, कभी कभी एकदम उल्टा हो जाता है। हाँ, when I'm in a good mood, I do not like it when it's messy. खुशी ने सब कुछ क्लीन करके पहले जैसा ही रख लिया है, और ये पूरा है ना जैम का बोतल है। दिस इज व्हाई, बिकॉज़ यू नो व्हाई वी हैव सो मेनी जैम बॉटल्स, ईट विद पूरी, पराठा, चपाती। हाँ, पूरी के साथ मतलब। और ये एक दो महीने का बोतल नहीं है, सालों का है ये, मतलब बहुत क्यूट लगता है मुझे ये जैम का बोतल देखकर, इसलिए जब भी फेंकते हैं फेंकते नहीं है। अभी 9:30 होने वाला है, संतोष अभी जस्ट मतलब 8 o'clock को 8 बजे मतलब वाटरलू स्टेशन पहुंच गया था। आज ट्रेन कुछ भी नहीं था, फिर टैक्सी पकड़ कर आया। और ये महान एथलेटिक्स शायर है, सुबह गया अभी शाम को फिर से गया। मेरा रात ही खुशी को कुछ मैथ सिखा रहे, सिखा रहा हूँ ये कि आपको किसी मतलब 2-digit नंबर दैट एंड्स विद 5 और आपको उसका स्क्वायर करना हो तो कैसे करते हैं इजी तरीके से, वो मैं बता रहा था उसको। तो मान लो जैसे 25 एक नंबर है, 25 का स्क्वायर, I know how to do it now. So 25 का स्क्वायर, tell me the answer. You have to do 2 times 3. I mean 2, then? Yeah, 2 times 3. आज डिनर में चपाती और आलू पनीर कैप्सिकम का सब्जी है। Somebody is not here. We should be careful. Milo. तो खाना हो गया, खाना हो गया। और मैं खुशी को कुछ एक मैथमेटिक्स का एक स्क्वायर करना सिखा रहा था किसी एक 2-digit नंबर का जिसका की एंडिंग 5 के साथ होता है, तो आपको भी सिखाते हैं। Let's take an example कि चलो 25 का स्क्वायर करना हमको, तो सबसे पहले जो है 2 से सबसे बड़ा वाला नंबर, 2 से नेक्स्ट डिजिट जो है 2 का नेक्स्ट डिजिट इज 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 6, और 5 का स्क्वायर कर लीजिए क्या मिलेगा 25। सो आंसर टू 25 का स्क्वायर इज 625। Ask me a question. और एक बार और एग्जांपल, एक और एग्जांपल बता देते, लेट्स ट्राई अनदर वन, 45। ओके, अभी खुशी करने जा रहे हैं। सो गाइस, सो
सो फोर का जो नेक्स्ट डिजिट है, फोर के बाद क्या आता है? फाइव. फोर टाइम्स फाइव इज 20 और फाइव का स्क्वायर 25. सो 2025. Well done. Check on five.